सिंपल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज हम चर्चा करेंगे बिहार के राजनीति की। बिहार के राजनीति में काफी कुछ घट रहा है और वह भी 2019 से पहले। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीमार लालू यादव का हालचाल जानने के लिए फोन किया। क्या सियासत में भूचाल ही आ गया? लालू यादव के बेटे और आजकल आरजेडी की कमान संभाल रहे तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को आरे हाथों ले लिया कि 40 दिन बाद उनको लालू यादव की याद आई। उन्होंने नीतीश कुमार की मिजाज पुरसी पर सवाल उठाए और कहा कि बीजेपी की तरफ से हो रही अनदेखी की वजह से वो ये सब कर रहे हैं। तेजस्वी ने तंज कसा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमारे चचा ने ठगा नहीं। ये एक कानपुर में ठग्गू लड्डू है उसका जो है ये पंच लाइन है जिसका इस्तेमाल तेजस्वी ने किया। और उन्होंने तेजस्वी ने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार के लिए उनके दरवाजे बंद हैं। ये एक NDTV से इंटरव्यू में भी तेजस्वी ने कहा था। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नीतीश कुमार की दुविधा क्या है बिहार की राजनीति में। आज ये फोन कॉल इतने महीनों बाद क्यों गया है लालू यादव के पास? तो ये हमारा आज का टाइटल है कि नीतीश कुमार की दुविधा क्या है। नीतीश कुमार की दुविधा ये है कि 2019 में क्या बीजेपी के साथ वो जाएंगे, लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे या कुछ और करेंगे? क्योंकि कुछ जो बयान आ रहे हैं JDU नेताओं के, जिसमें कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के चेहरा से ही 2019 का चुनाव बिहार में लड़ा जाना चाहिए, नीतीश कुमार जो है बड़े भाई की भूमिका में होने चाहिए। आखिर ये सब बयान क्यों आ रहे हैं? यहां तक कहा कि संजय सिंह जो महासचिव हैं JDU के, कि बीजेपी चाहे तो अकेले 40 सीटों पर चुनाव लड़ लें। आखिर ये सब बयान क्यों आ रहे हैं ये हम आज आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मौजूदा हालत आपको बताते हैं कि क्या है स्थिति। बीजेपी के पास 22 सांसद हैं, 40 की लोकसभा सीट है यहाँ पे बिहार में, 22 जो है बीजेपी के पास है और जो JDU के पास केवल 2 सांसद हैं। तो अब आखिर आप समझ लीजिए कि ये बंटवारा सीटों का होगा कैसे? 22 और 2 काफी बेमेल है। फॉर्मूला यहाँ पे ये दिया जा रहा है JDU के तरफ से कि 2015 के विधानसभा सीटों पर का जो हुआ था, सीटें जो मिली थी उसके आधार पर सीटों का बंटवारा किया जाए लोकसभा सीटों का। अब हम आपको बताते हैं 2015 में किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी। आखिर JDU 2015 का फॉर्मूला क्यों जो है लोग विधानसभा का वो आजमाना चाहते हैं। JDU को जो है 2015 में 71 सीटें मिली थी और बीजेपी को 53 सीटें मिली थी। आपको बता दूं यहां पर ये एक बात याद रखिएगा, JDU और RJD उस वक्त जो है साथ लड़ी थी, दोनों इकट्ठे लड़े थे जो है आपको याद होगा। और बीजेपी के साथ थे पासवान, कुशवाहा, ये सारी पार्टी जो थे वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़े थे। अब आपको बताते हैं कि बिहार का गणित कहता क्या है। बिहार में जैसा मैंने आपको बताया कि लोकसभा की 40 सीटें हैं। इन 40 सीटों का गणित मैं आपको समझाता हूं कि आखिर ये 40 सीटें जो है NDA कैसे बांटती हैं। इन 40 सीटों में 10 सीटों जो है ये पासवान साहब और कुशवाहा साहब को जाता है। 6 सीट पर पासवान लड़ते हैं, 6 सीटों पर कुशवाहा की पार्टी लड़ती है। तो 10 सीटें निकाल दीजिए 40 में, बच गई 30 सीटें। आखिर 30 सीटों पर किस आधार पर बंटवारा होना चाहिए? अब देखिए JDU का कहना है कि जो बची 30 सीटें हैं उसमें बीजेपी और JDU 15-15 सीटें लड़ लें। अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि भाई जिस पार्टी को 22 सांसद हैं वो कैसे लड़ेंगी जो है 15 सीटों पर? आखिर जो सबसे बड़ा सवाल फिर यही उठता है कि किस तरह से बीजेपी जो है जिसके पास 22 सांसद हैं उनमें से कितने सांसदों का टिकट वो काटेगी? कुछ सांसद जो हैं जिसके टिकट वो काट सकती है, जैसे हम कहें कि शत्रुघ्न सिन्हा है वो नाराज है, उनका टिकट आप काट के JDU को दे दीजिए। कीर्ति आजाद है, उनका टिकट काट के JDU को दे सकते हैं, लेकिन 2-3-4 से अधिक हैं नहीं। अब यदि आप बहुत ज़्यादा संख्या में जो अपने मौजूदा सांसदों का जो टिकट काटेंगे तो BJP में बगावत हो सकता है और ये बगावत जो है वो BJP चाहेगी नहीं। तो फिर एक यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या JDU के टिकट पर BJP के सांसद चुनाव लड़े? ऐसा हमने देखा है, अभी हाल में आपने देखा हुआ कैराना जो है लोकसभा का चुनाव जो है वो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट ने पहले लोकदल ज्वाइन किया और वहां पर वो जो है
चुनाव लड़ी और जीत गई कहलाना, तो ये भी होता रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ देंगे, ये सवाल जो है सबसे बड़ा यहाँ पे उठता है। और क्या कांग्रेस जेडीयू आरजेडी गठबंधन जो है क्या ये संभव है, इस ये एक संभावना क्या हो सकती है? राजनीति में कब क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हम इस संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते हैं। और इन सब की वजह यह है कि सीट बंटवारे को लेकर के वहाँ पेंच जो है फंसा हुआ है, और लगातार जो है अब इस बात की चर्चाएं उठ रही हैं कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। ये हम ये अपनी चर्चा इस पर जारी रखेंगे, नीतीश कुमार की दुविधा क्या है, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही जो बीजेपी अध्यक्ष हैं वो पटना जाने वाले हैं और एक मुलाकात की भी संभावना है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। तो सिंपल समाचार में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बिहार की चर्चा खासकर इसलिए जरूरी है कि, और उसमें भी हम चर्चा कर रहे हैं नीतीश कुमार की दुविधा की। नीतीश कुमार की दुविधा की वजह यही है कि आज एक फोन कॉल गया है, वो भी लालू यादव को, बीमार लालू यादव को, उनका हाल चाल जानने के लिए उनके पुराने सहयोगी और छोटे भाई नीतीश कुमार की तरफ से, जिस पर कि तेजस्वी यादव ने भी एक तंज कसा है कि पापा तो बहुत दिनों से बीमार है, फोन आज क्यों आया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज ही फोन क्यों आया है लालू यादव को नीतीश कुमार के तरफ से। इसको समझाने के लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा कि नीतीश कुमार की दुविधा आखिर है क्या, क्यों वो उन्होंने फोन कॉल किया लालू यादव को। 40 सीटें हैं लोकसभा की वहाँ पे बिहार में, और जिसमें कि यदि एनडीए की बात करें तो उन्होंने जो है बीजेपी ने 22 सीटें जीती हुई है और जेडीयू के पास महज 2 सीटें हैं। तो अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आखिर ये गठबंधन होगा तो कैसे होगा। पासवान और कुशवाहा के पास 10 सीटें चली जाती है, बाकी 30 सीटें बचती है। 30 सीटें में किस आधार पे सीटें बांटी जाएगी? जेडीयू कहती है कि 15-15 सीटें लड़ लो, लेकिन क्या ये संभव है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी जो है अपने 22 सांसदों में से किसका टिकट काटेगी, क्या इसे बगावत नहीं हो जाएगा, क्या जेडीयू के सांसद बीजेपी के टिकट पर, बीजेपी के सांसद क्या नीतीश कुमार के टिकट पर लड़ेंगे, या फिर कांग्रेस जो है वो नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। एक ऑप्शन बचता है कांग्रेस जेडीयू आरजेडी का गठबंधन हो, लेकिन क्या ये संभव है? राजनीति में सब कुछ संभव है। आपको याद दिला दूं कि नीतीश कुमार जो है बीजेपी के साथ जाने से पहले जब आरजेडी में थे तो एक राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात हो चुकी थी, महागठबंधन बनाने की बात चल रही थी कि एक महागठबंधन बनाया जाए। और यही वजह है कि बिहार में जो है जेडीयू के नेताओं के कई तरह के बयान भी लगातार आ रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार को बड़ा भाई बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए यहाँ पे चुनाव लड़े। लेकिन फिर वही दिक्कत आ जाती है कि आखिर सीटों का बंटवारा कैसे होगा। अब नीतीश कुमार की दुविधा में हम देखते हैं उनके पास विकल्प क्या बचते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्या नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़ सकते हैं? क्या उनको लगता है कि उनकी जो छवि है एक मुख्यमंत्री की, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की, बेदाग छवि है, कोई भी उन पर लाग लपेट नहीं है, केवल काम से काम रखने वाला आदमी है और सीधी सीधी बात आपके मुंह पे बोलने वाला आदमी है, क्या ऐसा आदमी नीतीश कुमार क्या वो अकेले चुनाव लड़ सकते हैं, क्या ये संभव है? जी हाँ, ये संभव है कि वो अकेले चुनाव लड़ें और अपने आप को आजमाएं कि क्या वहाँ पर बिहार की जनता उन्हें लोकसभा चुनाव में भी वोट देगी या नहीं देगी। दूसरा विकल्प जो है नीतीश कुमार के पास वो है कि कहीं ना जाएं, कुछ सीटें एडजस्ट कर लें, एनडीए के साथ रहें, लेकिन यहाँ पे उनको अकेले डील करना होगा प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से, जो कि बहुत ही हार्ड बार्गेनर माने जाते हैं, जो सीटों के सौदेबाजी में काफ़ी माहिर हैं। और जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इनके पास 22 सीटें हैं मौजूदा लोकसभा में, इनके पास 2 सीटें हैं, तो कैसे समझौता होगा, क्या अपना मन मार करके
जो है मुख्यमंत्री बने रहने के लिए क्या नीतीश कुमार लोकसभा की जितनी भी सीटें बीजेपी देंगी उतनी ही सीटें लड़ने के लिए वो तैयार होंगे। तीसरा विकल्प उनका यह है कि वो महागठबंधन फिर बनाया जाए, जिसकी बात मैं बार बार कर रहा हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल और जो है के साथ नीतीश कुमार आए, हालांकि तेजस्वी यादव जो कि आरजेडी के नेता हैं वो इसको मना कर रहे हैं, लेकिन बीच में जो ये चेहरा है कांग्रेस अध्यक्ष का, ये एक पीस मेकर का जो काम कर सकता है कि जो दोनों पार्टियों को साथ लेके चले, एक पीस मेकर की भूमिका निभाए कि जिस तरह से पूरे देश भर में एक बड़े गठबंधन बन रहे हैं जहां पे कि मायावती और जो अखिलेश यादव साथ आ सकते हैं, तो ये दोनों साथ क्यों नहीं आ सकते हैं। पहले भी ये एक साथ आए थे और उन्होंने 2014 के तुरंत बाद 2015 में बीजेपी को शिकस्त दी थी, जबकि बीजेपी के पास वहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में जो सांसद थे, लेकिन बीजेपी जो है इस गठबंधन के आरजेडी और जेडीयू गठबंधन से हार गई थी। तो क्या ये संभव है? जी हाँ, संभव है, राजनीति में कुछ भी संभव है। और चौथा विकल्प ये है कि बिहार में एक तीसरा मोर्चा बनाया जाए। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि कुशवाहा साहब जो हैं वो थोड़े अनकंफर्टेबल हैं, बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं एनडीए में रहते हुए, और तेजस्वी यादव ने कुशवाहा साहब को एक खुला ऑफर दिया हुआ है कि आप जब भी आना चाहे हमारे गठबंधन में आ सकते हैं। जो कुशवाहा साहब ने मना कर दिया, नहीं हम नहीं जाएंगे, नाना करते हैं, तो उस पर तेजस्वी यादव ने एक अच्छा सा जवाब दिया कि नाना करते ही प्यार हो जाता है। तो अभी भी कुशवाहा साहब के लिए जो आरजेडी के दरवाजे हैं खुले हुए हैं। रामविलास पासवान भी हैं और नीतीश कुमार हैं। आपको मैं बता दूं, ये सारे नेता जो हैं जेपी मूवमेंट के नेता हैं, इनका ताना बाना एक जैसा है, इनके साथ आपस में कोई दिक्कत नहीं होती है। नीतीश कुमार मानते हैं कि जेडीयू हो या चाहे रामविलास पासवान की पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, इनके नेता एक दूसरे में जल्दी फिट कर जाते हैं, जबकि बीजेपी और कांग्रेस के नेता यदि जेडीयू या बाकी दलों में जाते हैं तो उनको दिक्कत होती है, क्योंकि उन दलों का कल्चर जो है कुछ अलग होता है। इसके अलावा जो ये सब बातों की चर्चा करने के अलावा नीतीश कुमार को ये दुविधा है कि 2019 में क्या होगा, इसलिए वो कई तरह के कदम उठाने की बात भी कर रहे हैं। उन्होंने ये संकेत दिया है कि बिहार में जो शराबबंदी कानून है उसमें संशोधन किया जाएगा। आपको बता दूं कि करीब शराबबंदी के कानून के तहत करीब 1,30,000 से ज़्यादा लोग बिहार के जेलों में बंद है, जिसमें अधिकतर महिलाएं हैं और निचली जो क्रम के लोग हैं जो कि जेडीयू के वोटर हैं। तो उसको देखते हुए अब नीतीश कुमार जो है कानून में थोड़ा बदलाव करने की ओर इशारा कर रहे हैं। दूसरी बात, नीतीश कुमार को ये लगता है कि यदि वो एनडीए के साथ रहें तो मुस्लिम वोट उनको नहीं मिलेगा, और अभी जो उपचुनाव हुए जहानाबाद में या फिर जो जोगीहाट में हुए जहां पे वो हार गए, उसके बाद वो मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने वाले बयान उन्होंने देना शुरू किया। एक ताज़ा बयान ये आया था कि भले ही मुस्लिम हमें वोट ना दे, हम उनके लिए कल्याण के काम करते रहेंगे। तो इसका मतलब नीतीश कुमार को अंदाजा है कि आरजेडी के पास यादव और मुस्लिम का सॉलिड वोट बैंक है, साथ ही हम पार्टी के जीतनराम मांझी के का दलित वोट भी है, तो उसके वजह से वो आरजेडी जो है एक काफ़ी सॉलिड स्थिति में दिखाई दे रही है, यदि हम जातिगत वोटों के आधार पर देखें तो। यही वजह है कि नीतीश कुमार जो है अब मुस्लिम मतदाताओं को भी रिझाने की बात कर रहे हैं। तो कई इस तरह के कदम उठाने की बात हो रही है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि 2019 से पहले नीतीश कुमार जो है कुछ ऐसे कदम उठाएंगे जिससे कि लगे कि वो उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जिस दिशा में उनको जीत मिलेगी। कुछ कानून में बदलाव हो सकता है, कुछ नए गठबंधन हो सकते हैं, उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़े, तो नीतीश कुमार जो है उसके लिए तैयार हैं। लेकिन वही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वो एनडीए को छोड़ पाएंगे। एनडीए को छोड़ने की एक और वजह यह है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को पैकेज देने की बात कही थी, उस पैकेज की अब कोई बात नहीं हो रही है। और जब एनडीए के साथ गए थे तो ये कहा गया था कि बिहार को पैसे की ज़रूरत है और वो पैसा एनडीए के साथ जाएंगे तो बिहार को मिलेगा, लेकिन वो पैसा नहीं मिला है, और नीतीश कुमार ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, थोड़े से अनकंफर्टेबल लग रहे हैं अभी बिहार के मौजूदा गठबंधन में। ये भी एक वजह है कि वो एनडीए से दूर जाना चाहते हैं।
लेकिन क्या होगा ये आपको भविष्य बताएगा। लेकिन जितनी भी दुविधाएं थी नीतीश कुमार की हमने आपको बता दी है, और अब देखते हैं कि आने वाला वक्त क्या कहता है। राजनीति में कुछ भी संभव है, आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पे कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता है, परमानेंट दुश्मन नहीं होता है, सब केवल विरोधी होते हैं।